स्टैंडर्ड नाइन बच्चों इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अ ब्यूटिफुल फनी पोएम फ्रॉम आर इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर वन पॉइंट थ्री हैव यू एवर सीन इसका मतलब है क्या आपने कभी देखा है सो पोएट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है पूछा है और ये ऑल थ्रू द पोएम स्टार्ट टू एंड पोएट ने क्वेश्चन फॉर्म में हमसे कुछ स, कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और दिस पोएम इज़ रिटन बाय एन अनोनीमस पोइट अनोनीमस मीन्स जिनका नाम नहीं पता हो जैसे पोएम्स का जो पोइट होता है नॉर्मली हम जानते हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है विलियम ब्लेक है शेक्सपियर है ऐसा पोइट का नाम भी साथ में दिया जाता है लेसन्स में और हमें इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है लेकिन इस पोएम का पोइट किस कौन लिखा है ये पोएम या इसका पोइट कौन है ये किसी को नहीं पता दैट इज़ अनोनीमस दैट मीन्स अन नॉन पर्सन ओके okay. और ये पोएम एक सीरियस टॉपिक वाला या सीरियस थीम वाला पोएम नहीं है इट्स अ फनी पोएम रिटर्न जस्ट फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट सिर्फ मज़ा या एन्जॉयमेंट के लिए बनाया गया लिखा गया एक पोएम है ये पोएम में पूरे होमोग्राफ्स यूज़ किया है होमोग्राफ क्या होता है होमोग्राफ मीन्स वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग सेम स्पेलिंग होगा लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग होता है ये वर्ड्स का ऐसे वाले वर्ड्स को कहते हैं होमोग्राफ्स देखने में सेम टू सेम लेकिन प्रोनाशिएशन भी सेम सेम स्पेलिंग सब सेम है ओनली द मीनिंग्स आर डिफरेंट सिर्फ मीनिंग अलग होता है जब पोएम के अंदर पोइट वर्ड्स को लेकर खेलते हैं यानी वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग डालकर अलग अलग बात बताने का कोशिश करते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच को हम पन कहते हैं पी यू एन पन तो ये जो पोएम है हमारा यू एवर सीन ऑल थ्रू द पोएम देर आर सो मैनी पन सो मैनी एक्साम्पल्स ऑफ पन बहुत सारे एक्साम्पल्स आपको पन का देखने को मिलेगा अभी ये होमोग्राफ्स का इधर यूज़ आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग का जो वार्मिंग अप है उसके अंदर दिया हुआ है इस सेंटेंस में आप देखो अ टेम्पल फेयर अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्राउड क्रउडिया ने भीड़ टेम्बल में जो फेयर होता है फेर या मेला टेम्बल का जो फेयर है वो फेयर बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर जो फेयर वर्ड का मीनिंग हुआ मेला वही सेम स्पेलिंग वाला अगेन यूज़ किया है फेयर हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था फेर यहाँ पर हुआ मीनिंग ठीक ठाक और यहाँ पर हुआ मेला तो देखो दो अलग अलग सेंटेंस में सेम टू सेम वर्ड का अलग अलग मीनिंग हुआ सो दे आर होमोग्राफ्स वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन इन टेक्स्ट बुक अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स हियर द रोज मीन्स द फ्लावर रोज फ्लावर गुलाब का आ गुलाब का फूल और यहाँ द सन रोज विथ द गोल्डन ग्लो यहाँ पर राइस जो वर्ब है उगना सूरज उगता है बराबर राइस वर्ब जो है उस वर्ब का टेंस है रोस राइस रोस राइस मीन्स उगना या ऊपर उड़ना उठकर मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना और रोस मीन्स उसका टेंस यानी हो गया वो काम सूरज उगा सो दैट इज द सन रोस विद अ गोल्डन ग्लो तो यहाँ पर दोनों जगह में रोस वर्ड है लेकिन दोनों का कम्प्लीटली मीनिंग डिफरेंट है आपसे मैंने पहले ही कहा कि इस पोएम में ज़्यादातर जो फिगर पे पेज हमें देखने को मिल रहा है एक है पन ओके okay? और दूसरा है इंट्रोगेशन और भी हमें मिलेगा पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह तो पन क्या है मैंने आपसे बताई ऑलरेडी व्हेन वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आर यूज इन सच वे दैट दे कन्वाई मोर देन वन मीनिंग सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज करने पर इट फाइंड्स मेन मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स मेनी डिफरेंट मीनिंग्स मोर देन वन मीनिंग सो सच फिगरो स्पीच इज कॉल्ड पन ऐसा फिगर स्पीच को क्या कहते हैं पन कहते हैं यहाँ पर देखो और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मतलब और एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और पन इज प्ले अपॉन वर्ड्स वर्ड्स को डालकर खेलते हैं वर्ड्स का खेल है एक्चुअली पन सो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ हैलो हाउज लाइफ तो ए मिस्टर ए ने पूछा हेलो हाउस लाइफ हेलो ऐसा एड्रेस किया और पूछा कि कैसा है लाइफ और जवाब देखो बी का हेल ओ एक्चुअली इधर हेल एंड ओ हेल मतलब नर्ग होता है लेकिन यहाँ का हेलो का स्पेलिंग और यहाँ का हेल और ए ओ -oh, ओ oh मतलब इट्स एन एक्सक्लेमेशन जैसे कि हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंडजेक्शन करके एक सेक्शन पढ़ते हैं तो ये इंडजेक्शन जैसा है ये ओ यूज़ किया अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करने वाला वर्ड है इंडजेक्शन तो यहाँ पर जो ओ है इंडजेक्शन है फीलिंग को एक्सप्रेस करता है जैसे आउच हु वी वॉन्ट द मैच और हु आ ये सब वर्ड्स जो है वो इंडजेक्शन होता है तो वैसा यूज किया ये ओ को लेकिन टुगेदर अगर आप एक साथ फास्ट में रीड करोगे तो इट इज़ अगेन हैलो बराबर है सो so, यहाँ पर हेलो हाउस लाइफ और ये लाइन में हेल ओ हैल ओ इट्स अस्ट्राइव लेकिन इसको साथ में पढ़ोगे तो हेलो इट्स अ अस्ट्राइफ ऐसा हो जाता है तो इस तरह सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स को अलग अलग यूज के लिए लाइंस में डालकर उसका एक एन्जॉयमेंट या उसको डिफरेंट मीनिंग्स बनाना दैट इज पन ओके सो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया टेक्स्ट बुक में पूछा गया कि फाइंड मोर एक्साम्पल्स ऑफ पन उसके बाद हम ये लेसन में पढ़ने वाले या देखने वाले जो इंट्रोगेशन है indrogation. Indrogation का मतलब होता है क्वेश्चन इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन तो एक नॉर्मल सेंटेंस बोलने के बदले एक स्टेटमेंट सादा स्टेटमेंट बोलने के बदले उस जगह में एक अगर क्वेश्चन पूछा गया जिसको कोई आंसर एक्सपेक्टेशन नहीं है वैसा क्वेश्चन अगर यूज़ करते तो इट इज़ इन जैसे अभी क्लास में आप लेट आए और टीचर आपसे बोलना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू कम बच्चा बराबर आपसे ऐसा बोलना चाहिए कि ये ये वक्त नहीं है क्लास में आने का पर टीचर कभी ऐसा पूछेंगे आपसे कि इज इज़ द टाइम टू कम टू द क्लास क्या ये वक्त है ट्यूशन क्लास में आने का ऐसा पूछते हो ना तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग बेटा दिस इज़ नॉट द टाइम टू कम यू हैव टू कम अर्ली ऐसा बोलने के बदले टीचर सवाल करती है कि इज इज द टाइम टू कम टू द क्लास तो वहाँ पर एक नॉर्मल स्टेटमेंट के बदले इनरोगेशन का यूज हुआ सो दे द फिगर ऑफ स्पीच इज इनरोन नाउ लेट स्टार्ट द पोएम हैव यू एवर सीन हैव यू एवर सीन अीट ऑन रिवर बेड पूछ रहा है अच्छा लेट मी रीड द फुल फोर लाइन्स

लेकिन रिवर का जो निचला हिस्सा है पानी के एकदम नीचे का जो हिस्सा है जमीन रिवर का नीचे का पार्ट नदी का तल उसे भी बेड वर्ड यूज करके डिस्क्राइब करते हैं रिवर बेड ओके सो रिवर बेड में कभी तुमने शीट देखा है बिकॉज एवरी बेड हैज अ बेड शीट फिर रिवर बेड को आपने कभी शीट देखे हैं ये देखो ये है रिवर बेड आपको इधर क्लियरली दिखाई दे रहा है ऊपर पानी है वो सनलाइट आने की वजह से क्लियरली दिखाई दे रहा है और पानी के नीचे जो फतर वगैरह दिखता है जो जमीन दिख रहा है दैट इज द रिवर बेड तो पॉइंट ऐसे ही फन के लिए मतलब ऐसे फनी क्वेश्चन पूछा है कि आपने कभी रिवर बेड में शीट देखे हैं और नेक्स्ट सवाल है और अ सिंगल है फ्रॉम अ हैमर्स हेड हैमर आपको पता है हथोड़ी और उसका जो जिस पार्ट से हम मारते हैं उसे हेड कहते हैं तो अगर हमारा हेड है तो उसपे हमारे जो हेड होते हैं उस पर बाल तो रहता है तो पॉइंट कह रहा है कि पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी हथौड़ी के हेड पे एक भी बाल देखे हैं देखिए यहां पर मैंने एक हथौड़ी का इमेज दिखाया ठीक है और ये जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हेड ऑफ द हैमर तो हेड है तो बाल क्यों नहीं है आपने कभी बाल देखा है फिर पूछ रहे हैं कि हैज़ द फूट ऑफ माउंटेन एनी टोस टो तो क्या होता है जो पैरों का जो फिंगर्स होते हैं, उसको टोस कहते हैं पैरों में जो उंगलियाँ हैं तो हैज़ द फूट ऑफ अ माउंटेन माउंटेन का फूट फूट मीन्स निचला हिस्सा जो माउंटेन है पहाड़ है उसके नीचे का हिस्से को फूट कहते हैं तो माउंटेन को अगर फूट है तो उसको कभी आपने uh, टोस देखे या टोस है माउंटेन पे? जैसे कि हमारा फूट है तो हमारे फूट पे टोस रहते हैं एंड इज दर अ पेयर ऑफ़ गार्डन होस एक गार्डन होस क्या है गार्डन में पानी डालने के लिए जो प्लान्स है उसके लिए पानी डालने के लिए एक पाइप होता है वो हम घर में भी पानी वगैरह भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गार्डन में जो यूज़ करने वाला जो पाइप है उसको होस कहते हैं और साथ साथ में होस का और एक मीनिंग है जो पैरों में पहनने वाले जो स्टॉकिंग्स होते हैं जो सॉक्स है जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं तो पैरों में पहनने वाले जो होस है वो हमेशा पैर में रहते हैं तो क्या कभी गार्डन होस पैर में होते हैं ये जो गार्डन इंप्लीमेंट है या गार्डन में यूज करने वाला पाइप है इसे होस कहते हैं और दूसरा होस क्या है ये देखिए ये स्टॉकिंग्स ओके okay? तो पोएट ये दोनों सेम वर्ड होस का दो अलग अलग मीनिंग को पन के लिए यूज किया है आगे का लाइन्स देखते हैं नीडल एवो विंग इट्स आई आई विंगिंग विंगिंग करना यानी पल के झपकना तो नीडल का जो होल होता है जिसके अंदर से हम धागा डालते हैं वो होल को आई ऑफ द नीडल कहते हैं आई ऑफ द नीडल सो इफ अ नीडल हैज आई देन डज डज इट विंक वो क्यों नहीं winging करता इन द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई बिल्डिंग बिल्डिंग में अलग अलग विंग होता है आप कोई ऐसा ग्रुप ऑफ बिल्डिंग मतलब एक कॉम्प्लेक्स पे जाओगे तो वो बिल्डिंग का ए विंग बी विंग सी विंग ऐसा सेपरेट विंग्स मिलता है और विंग का दूसरा मीनिंग होता है पंख अगर पंख है तो फिर बिल्डिंग क्यों नहीं उड़ते हैं कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल पैरासोल मीन्स अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला टिकलिंग करना मतलब गुदगुदी करना और रिब क्या होता है हमारे बॉडी में भी रिब है हमारे बॉडी का जो रिब्स मतलब जो चेस्ट के एरिया का जो बोनी केज हड्डी का जो सा कवर uh, है जिसके अंदर हमारा हार्ट लंग्स वगैरह प्रोटेक्टेड है तो वो जो रिब्स आप पता है आपको अगर सीने पे टच करके देखोगे तो आपको रिब्स फील होगा बहुत सारे हड्डियों का एक आ, केज है एक पिंजरा जैसा सो दैट इज़ द रिब्स और एक इंसान को रिब के एरिया में अगर टिकलिंग करोगे गुदगुदी गुद, 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 करोगे तो उन्हें हंसी आएगा तो यहाँ पर सवाल है कि पॉइंट पूछ रहे कि एक पैरासोल को एक अमरेला को उसके रिब में गुदगुदी करेंगे तो क्या वो वो फील करेगा यानी उसको गुदगुदी कर पाएंगे यहाँ पर मैंने एक पैरासोल का इमेज दिया है और इसमें देखें ये जो छोटे छोटे तार होते हैं इसे रिप्स ऑफ द पैरासोल कहते हैं और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल ट्री का ट्रंक ट्री का ट्रंक क्या होता है जो मेन स्टेम होता है पेड़ का उसे ट्री का ट्रंक कहते हैं और ट्रंक को और एक मीनिंग है आपने कभी देखा होगा गांव से वगैरह लोग आते हैं या किधर जाते हैं तो एक पेटी ज़्यादातर एक पत्रे का पेटी पहले के टाइम में यूज कर किया करते थे ऐसा जो पेटी होती है बॉक्स होता है वो बॉक्स को कहते हैं ट्रंक तो इफ़ इट इज़ अ ट्रंक देन वी कैन ओपन एंड क्लोज बराबर है अगर ट्रंक है पेटी है तो हम उसको ओपन कर सकता है पर ट्री पे भी तो ट्रंक है लेकिन क्या आप उसको ओपन क्लोज कर सकता है ओपन कर सकता है दिस इज द ट्रंक ऑफ अ ट्री एंड दिस इज ट्रंक बॉक्स आर द टीथ ऑफ एवर गोइंग टू बाइट रेक रेक एक्चुअली एक गार्डन इम्प्लीमेंट है या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है इट इज यूज फॉर गार्डनिंग और मीन इट्स यूज फॉर कलेक्टिंग द ग्रास और हे फ्रॉम द गार्डन और फ्रॉम द फार्म खेती में से पूरे जो पत्ते वित्ते वगैरह इकट्ठा करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं कभी ये इवन रोड में से वगैरह कचरा इकट्ठे करने के लिए भी ये यूज़ किया करते हैं रेक रेक का जो नुकीला जो पार्ट होता है उसको टीत कहते हैं तो अगर रेक को टीत है तो कैन दे बाइट आर दे बाइट मीन्स एबल टू बाइट क्या वो काट सकते हैं क्योंकि दांध है तो काटते हैं पर रेक को दांत होने के बावजूद भी काटते हैं ये रेक का इमेज है और इसका जो ये दांते हैं टीथ ऑफ द रेक हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट क्लॉक जो है क्लॉक में जो काटे होते हैं वो काटों को हैंड कहते हैं मिनट हैंड आवर हैंड सेकेंड हैंड वैसा तो हमारे बॉडी में भी हैंड है वी से दैट इट इज द इट इज माई लेफ्ट हैंड एंड इट इज माई राइट हैंड तो क्लॉक में हैंड होने के बावजूद भी वो कभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस कैन द गार्डन प्लॉट भी डीप एंड डार्क प्लॉट यहाँ पर जो वर्ड है प्लॉट उसका गार्डन प्लॉट मीन्स जहाँ पर गार्डन करते हैं उस जमीन को कहते हैं और यहाँ पर डीप और डार्क प्लॉट मतलब प्लॉट यानी कुछ गहरी साजिश को हम प्लॉट कहते हैं मतलब कोई किसी के अगेंस्ट कोई uh, साजिश करते हैं सो वी से दैट ज प्लानिंग अ प्लॉट अगेंस्ट सो वैसा जो प्लान है वैसा जो साजिश है उसे हम डीप एंड डार्क यानि बहुत ही गहरी और बुरी साजिश कर कहते हैं लेकिन गार्डन प्लॉट कभी डीप और डार्क हो सकते हैं यू कैन सी अ गार्डन प्लॉट हियर ये एक गार्डन प्लॉट है एंड वॉट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क बर्ड्स एक्चुअली एक ट्री है बहुत ही पहले के जमाने में लिखने के लिए कागज़ जब नहीं होता था तो बर्च के बार्क बार्क यानी उसका स्किन जो स्टेम का मेन ट्रंक का जो स्किन होता है वो स्किन को निकाल कर उसको क्लीन करके एकदम पतला उस पर लिखा करते थे बर्च बाक वो जो ट्री का बर्च नाम का जो ट्री है उसका जो स्किन है आउटर कवरिंग है उसको बार्क कहते हैं लेकिन बाक वर्ड को और एक मीनिंग है द डॉग बास कुत्ते का जो भोंकने का आवाज़ है उसको भी बार्किंग कहते हैं तो पॉइट यहां पर पूछ रहा है कि बर्ज का बाग का कभी बाकिंग साउंड आपने सुना है या क्या होगा ये बर्ज ट्री का बाकिंग साउंड इस तरह ये एनोनिमस पोइट ने हमसे बहुत सारे सवाल किए हैं जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड फंड आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेल गो थ्रू द पोएम अगेन एंड रीड इट लाउडली एंड सेंड मी